धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं निरंतर आप लोगों को सत्यात प्रकाश के 14वां समुल्लास का पाठ सुना रहा हूँ। 16 वीडियो अब तक मैं आप लोगों को दे चुका हूँ इस सत्यात प्रकाश से। सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद ने जो कुरान की छानबीन की है और उसके ऊपर जो अपनी समीक्षा उन्होंने दर्शाया है कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं वहाँ, उसी को ऋषि दयानंद के विचार और कुरान में जो बात कही गई उसी को, दोनों को उठा करके मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। आज 17वां वीडियो के लिए मैं अग्रसर हो रहा हूँ। यहाँ प्रश्न संख्या है 32 सत्यात प्रकाश में। स्वामी जी लिखते हैं, जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिए ये मत कहो कि वह मृतक है, किंतु वह जीवित है। मंजिल 1 सिपारा 2 सूरा 2 आयत नंबर 154। यहाँ आयत नंबर 154 में क्या कहा कि वला तकूलु लिमा युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बला ये वलाकिन ला तशऊरून। देखिए, अल्लाह के रास्ते पे जो मरते हैं उसको मरा मत कहो, वो जिंदा है, इसी को शहीद कहा जाता है। अल्लाह का रास्ता यही है, इसका नाम शहीद है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग शहीद शब्द को लेते हैं, शहीद शब्द हमारे यहाँ नहीं है, अमर हुतात्मा ही शब्द है। शहीद शब्द ना वैदिक संस्कृति का है, ना भारत का है, ना भारतीय परंपरा का है। शहीद शब्द इस्लाम का है, अरबी का है। शहीद का बहुवचन शहदा बताया गया है। तो यहाँ पर वला तक तुलू लिमा युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, यानी अल्लाह का रास्ता। अल्लाह का रास्ता क्या है? इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का विस्तार के लिए जो गैर मुस्लिमों से लड़ाई लड़ी जावे वो अल्लाह का रास्ता है, इसका नाम जिहाद है। और यही आज संपूर्ण विश्व के आंगन में इस्लाम वाले यही तांडव मचाए हुए हैं, वो उसे अल्लाह का रास्ता मानते हैं, बताते हैं। जीते जागता प्रमाण मेरे सामने बहुत आए हैं, आप लोगों के सामने बहुत आए हैं, आंखों देखा हाल। अभी पिछले दिन हैदराबाद से भी 4 बच्चे गए, महाराष्ट्र से भी कहे गए, बेंगलोर से भी कहे गए। महाराष्ट्र से ये हैदराबाद से जो 4 बच्चे गए थे उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रास्ते पे आ गए हैं। घर वालों को इत्तला दे दिया कि हम अल्लाह के रास्ते पे आ गए हैं, हमें मत ढूंढना। ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इससे बढ़ करके और कोई काम नहीं है। केवल कुरान में नहीं, बुखारी शरीफ का एक हदीस है, एक चैप्टर है जिसको किताबुल जिहाद के नाम से बताया जाता है। किताबुल जिहाद का भी पहला हदीस यही है, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाम के एक साहबी ने हज़रत मामा साहब से पूछा, قال عبد الله ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم। अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम के एक सहाबी ने हजरत मामा साहब से पूछा कि अय्युल अमल अफजल, हमारे लिए अच्छा अमल क्या है? तो उन्होंने कहा जवाब में, قال الصلاة على ميقاتها, समय पर नमाज पढ़ना। दोबारा पूछा, ثم أيون, इससे बढ़कर और कोई अच्छा काम? तो उन्होंने जवाब में बताया कि قال ثم بر الوالدين, दूसरा नंबर का अच्छा काम है माँ बाप का सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना। फिर उन्होंने तीसरा बार पूछा, कुल तो सुमायून, इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम हो तो बताए? तब उन्होंने कहा कि कौल अल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकतवान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम अल्लाह के नज़दीक नहीं है। तो ये है वो अल्लाह का रास्ता जो अल्लाह ने यहाँ साफ शब्द में कुरान में ही कहा है, सूरह बकर आयत नंबर 154 में, कि वो अल्लाह के रास्ते में जो मरते हैं वो मरा नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने जब सद्दाम को मारा तो सद्दाम को भी शहीद कहा गया, ओसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा गया, गद्दाफी को भी शहीद कहा गया। यानी काफिर के हाथ से जो मरता है मुसलमान, वो मुसलमान मरा नहीं है, वो शहीद है। और ऐसे शहीदों के लिए अल्लाह ने कुरान में बहुत बशारत दिए हुए, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह नसीब करेंगे।
मैं तबलीन सिंह नामी महिला को लिखा था बहुत पहले, और इसी लेख से मैं पॉपुलर हुआ। उन दिनों में मुझे कोई जानते ही नहीं थे। मैं नेट पे डाला, तबलीन सिंह ने बोली कि कुरान में गैर मुस्लिम को मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं है, यह कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो उन्हीं को चुनौती देते हुए मैंने लिखा, यह सारा हवाला दिया कुरान से, और मैंने उसका हेडिंग रखा, कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं। या मैं नहीं कह रहा, ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वो शहीद है। किनको शहीद माना गया? जो अल्लाह के रास्ते में मरते हैं। तो अल्लाह का रास्ता क्या है? गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हुए जो मरता है वो अल्लाह का रास्ता है। और अल्लाह का रास्ता यही है कि वो मरे नहीं है, मर करके भी वो जिंदा है, उसका नाम शहीद है। इसलिए भारतवासियों, कान खोल करके सुन लेना कि हिंदुओं को शहीद कहते हो, हिंदू हमारे यहाँ पर शहीद शब्द नहीं है, अमर हुतात्मा शब्द है। शहीद कहना बहुत बड़ी भूल है। और आज भारत में तो हम देख ही रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल करके आते हैं उनको लुटाया जा रहा है उनके पीछे, और जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उनके विधवा उन पर लाले पड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो बच्चों को अनाथ करके वो गए हैं देश के लिए, शहीद हुए देश के लिए, बलिदान दिए, जिसको शहीद बोल रहे हैं, पर वहाँ शहीद शब्द नहीं है। देश के लिए बलिदान होना, देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए अपने को समर्पित कर देना, देश की रक्षा के लिए दुश्मनों के हाथ से लड़ते हुए मरना, ये सब अमर हुतात्मा कहा जाता है। तो हमारे देश के लिए जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए उस तरीके की बात नहीं की जा रही है जो खिलाड़ियों को आज जो किया जा रहा है, दिया जा रहा है। पता नहीं कि खिलाड़ी केवल देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो अपने गर्दन कटवा रहे हैं, अपना प्राणों को निछावर कर रहे हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा कर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बहुत सोचने समझने वाली बात है। मैं क्या बताऊंगा, मैं जितना कहूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो मैंने आप लोगों से सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में ही कहा, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने ये प्रश्न उठाया कि अल्लाह के रास्ते में मरने वाले कौन हैं, अल्लाह के रास्ते में जो मरते हैं वो मरा हुआ नहीं है, ये कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है, ये इस्लाम की मान्यता है। इसलिए बंधुओं, हमें अच्छे ढंग से इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद ही हमें सत और असत का ज्ञान होना संभव है। अभी एक मियाँ जी ने लिखा है कि पंडित जी, आप कुरान को समझते नहीं हैं। भाई, मैं समझता नहीं हूँ, पर तुम्हारी समझदारी है तो आकर के समझाओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। और मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अंदाजा ही बोल रहा हूँ, मैं कुरान से ही पढ़ करके दे रहा हूँ, बतला रहा हूँ। कुरान में जो बातें लिखी हुई है मैं अपना अनुवाद नहीं, उसका व्याख्या मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मौलानाओं के लिखे हुए जो व्याख्या है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने शाह रफ़ी अहमद साहब की जो कुरान के अनुवाद को लिया है, स्वामी जी ने साफ लिखा है कि मुझे गलत प्रमाणित करने से पहले मैंने मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन अहमद के अनुवाद से लिया हूँ, पहले उनको गलत ठहराया जाए, फिर उसके बाद मेरे मुझ पर दोष लगाओ। सत्यार्थ प्रकाश की अनुभूमिका में स्वामी जी ने लिखा है। और मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने अपने तरफ से एक भी शब्द मिला करके नहीं बोला, जो बातें इनकी लिखी हुई है मैं उसे ही पढ़ करके सुनाता हूँ, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, देख करके बोल रहा हूँ। इसीलिए आप लोग भी पढ़ो। और एक पते की बात मैं आप लोगों को आज और बता देता हूँ, जबकि यद्यपि ये बात मैं अब तक बताई नहीं, वो मैं पते की बात ये बता रहा हूँ कि कई बार पढ़ने में मैं जान बूझ करके भी गलती कर जाता हूँ, तालमुन को यालमुन बोल देता हूँ, वाव को हजफ कर जाता हूँ। क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले सही अर्थों में वो भी पढ़ रहे हैं या नहीं, वो भी मुताला कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं जानबूझ करके
یہ سب کرتا ہوں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون آ رہے ہیں اس میں کودنے کے لیے. اگر پڑھے ہوں گے تو وہ آ کر کے بتائیں گے, پنڈت جی آپ نے یہاں یہ غلط بولا ہے, یہاں یہ حروف چھڑ گیا ہے, اکشر کے بدلنے سے ارتھ بھی بدلیں گے صاحب, اس لیے بھلی بات ہے آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے. تو یہ سارا کام جان بوجھ کر کے میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ ہمیں بتائیں کہ صاحب واقعی میں ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اس چیز کو, کو آپ نے یہاں پر یہ ہے ایسا بولا. خیر انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے وانی کو یہیں پر وِرام دے رہا ہوں. آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد. باقی باتیں کل کریں گے.